many Indian movies have you seen? Huh? How many Indian movies have you seen? My name's Tina. Yeah, your name is Tina, but how many Indian movies? I love you, India. Kinopium. Когда я little был, Kinopium смотрел. Авараму. Это не знаю, но это люблю. I'm going to go to India. लास्ट मेट्रो स्टेशन है हिकमत दिल्ली मेट्रो, जिससे अभी मैंने एग्ज़िट किया है। वहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है, कोई बस किसी को पता नहीं है वहाँ जाती हुई, और इस समय पता नहीं कोई टैक्सीज भी मुझे कहीं नहीं दिखाई दी। यूजुअली यहाँ पे टैक्सीज मिलना बहुत ईजी है और बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, बट टैक्सी भी नहीं मिल रही। तो सिंस 1.5 किलोमीटर ही है, तो मैं सुबह पैदल ही चला जाता हूँ, कुछ देख भी लूँगा आसपास कि मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ, खुला भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा पता नहीं है। बट बस मैं जा रहा हूँ कि देखता हूँ कि है कैसा यहाँ पे कृष्णा टेम्पल एंड कितना पॉपुलर है, क्या लोकल्स के बीच में दे रियली नो एनीथिंग मच अबाउट इस्कॉन टेम्पल, हाउ मेनी पीपल यू नो विजिट देयर वगैरह वगैरह, एक जनरल फील लेने के लिए। मिनट वॉक करने के बाद मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, यही इवाने कचावारा स्ट्रीट, यहीं पे कहीं पे टेंपल है होना चाहिए, तो मैं ढूंढ रहा हूँ बस, इट शुड बी अराउंड द कॉर्नर समवेयर हियर। तो मुझे पता ही नहीं लगा ये ऐसे छोटा सा नॉन डिस्क्रिप्ट सा दरवाज़ा है, कोई बोर्ड वोर्ड नहीं लगा, कुछ लिखा नहीं है, मैं खटखटाता हूँ। ये मंदिर है, मंदिर क्या है मतलब घर ही है, घर में आई थिंक डिवोटीज रहते होंगे जो प्रीस्ट वगैरह हैं, और पूजा के लिए शायद यहाँ कहीं पे बना रखा है। बड़ा सा ये घर है, यहाँ पे ज़्यादातर ऐसे ही है, ये शायद थोड़ा रूरल पार्ट है सिटी का। यहाँ पे आरती का टाइम है, लिखा तो यही हुआ है, बट यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा, मैं अंदर जाके और थोड़ा सा देखता हूँ कहाँ पे आरती अगर कैच कर पाऊँगा तो बहुत अच्छी बात है, प्रसाद मिल पाएगा तो और भी अच्छी बात है, बट देखते हैं। यही मेन हॉल है और यही पूजा का स्थल है, बट यहाँ कोई भी नहीं है राइट नाउ। भी जो सो कॉल्ड प्रीस्ट हैं वो भी यहीं के मतलब लोकल हैं, वाइट हैं, जॉर्जियन है, तो वो कह रहे हैं कि 6:30 बजे होगा, बट मैंने उनसे प्रसाद के लिए रिक्वेस्ट किया तो यहाँ पे आ गए हैं प्रसाद देने के लिए मुझे। ओके तो ये केवल इंग्लिश बोलते हैं, मैंने पूछा हिंदी बोलते हैं नहीं, तो वो नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं यहाँ पे काफ़ी दुबई से क्योंकि टूरिस्ट वगैरह आते हैं, मिडल ईस्ट बोलना चाहिए। एंड ये किचन है यहाँ पर, हाँ जी काफ़ी या तो ये प्रसादम दे रहे हैं मुझे। आप भी यहाँ पर आएंगे तो आपको भाई जो लोग विश्वास करते हैं और यू नो इंडिया के बाहर मंदिर वगैरह देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं यहाँ पे। योर नेम इज डोरमा रोमा। मेरा प्रसाद रेडी हो गया, सात्विक खाना। प्रसाद खाते हुए मुझे यहाँ पे आचार्य हैं, उनसे मैं बात कर रहा था, मैं आपकी बात भी कराऊंगा प्रोबली, तो दे हैव इनवाइटेड मी टू सी देयर गार्डन्स कि कहाँ वो सारा खाना वगैरह उगाते हैं और जितना भी वेस्ट होता है वो उससे कंपोस्ट वगैरह भी बनाते हैं, तो वो देखते हैं। देयर इज द
love this. Oh. Would you see this? Everything is new. This water we after use when we finish in this reconstruction. Okay. And, this water come from temple, and we use this water. Okay. And okay. This place is this is. Everything. This is for this people is to sit and have. Yes. If you come on, we want here do purvasana. And also preaching some lecture and this facade. Here, yeah. Summer time. Yeah. This for everything for we do for this. Okay. And this we now do new kitchen. New kitchen. Okay. If you want, I show you. Yeah. तो एकदम modern kitchen वगैरह बना रहे हैं या काफी बड़ी है. Here we make facade. Here is room where we wash and play and everything. Yeah, cleaning and yes. Cutting vegetables and okay. And after this we do for summer kitchen. Summer kitchen, okay. Yes. Okay. Here cooking in the festival. Yeah, festivals. Yeah. We want when we finish at this reconstruction, we want do one festival, Caucasian festival. Okay. And maybe 500. So when do you expect to complete the whole thing? I don't know. Maybe next years. Okay. Now we don't know, but next years maybe we do this festival. You also come. Absolutely. So you will grow all your vegetables etc here. Vegetable no. Which only vegetable we have for other place, but here okay. We do this prasad hall. Prasad hall is meant where you take prasad. Okay. You want this place and upper and this one. So this will be much bigger place. Yes, yeah. One place, two, three, and who is people and devotees coming and take prasad and sit here. Okay. Oh, this is the fruit from which you made that drink. Yes. What is it called in Georgian? Kamali. ये red kamali है. पता नहीं अंगूर जैसा बड़ा अंगूर कह लीजिए और taste भी इसका कुछ ऐसा ही था. बहुत अच्छा taste इसके juice का था. बांग्लादेश से एक्चुअली और ओमान में रह रहे थे मस्कट में. अब ये यहाँ पे हैं 2 साल से. ये 6 साल से devotee हैं. Yes, he found a Hare Krishna movement in Ukraine and he tells me that there are a lot of temples, Hare Krishna temples in Ukraine, right? 15-16 temples spread across different cities, right? Mm-hmm. So yes. It's pretty big there. Oh, ye sab Gita? This all yeah. Prabhupada books. Georgian translation. Yes, Georgian language. Mm-hmm. 20 years ago, this book we. Oh, since 20 years has been printed. So, Georgian mein inko 1 million books. 1 million books? Yes. Oh, ab tak but 1 now, million. Now we have 100,000. Only in stock. Yes. 100,000 stock mein hai aur 1 million ab tak print aur distribute kar chuke hain. Wow. This is Srimad Bhagavatam. Yeah. श्रीमद् भगवद गीता की कॉपीज पड़ी हुई है सब जगह और ये कुछ क्या प्रमोशनल ब्रोशर्स भी हैं सिरला प्रभुपदा और मूवमेंट के बारे में कृष्णा के बारे में हिंदुइज्म के बारे में यहाँ ऊपर भी वो कुछ दिखाना चाहते हैं दिस ब्रह्मचारी फ्लोर ओनली फॉर ब्रह्मचारी बट यू गेस्ट एंड नो प्रॉब्लम तो ब्रह्मचारियों के रहने के लिए है वेरी सिंपल वेरी सिंपल या तो उनके पढ़ने के लिए डेस्क वगैरह हैं और वो सोते हैं जमीन पे ही हैं ये उनका सामान वगैरह आई थिंक वो वॉशरूम होगा सामने डोर के पीछे बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है What did you do basically take up bhakti? Bhakti? Yeah. My motivator? Yeah. When I'm listening my Guru Maharaj when he's preaching and this my motivated for do service and service for deities and for service for just a little bit louder I think camera will be able to capture that so basically he was saying that he got motivated when he listened to his Guru mm-hmm. right what was the name of the Guru who introduced you my Guru yeah his name Chaitanya Chandra Charan Prabhu
Chaitanya Chandraprabhu. Yes, and he's Russian. In Russia. Yeah. Okay, so he was lecturing in Russian? Yes, Russian and English. In English, okay. Yes, okay. But translate. Oh, okay, okay. Translate. So what like attracted you towards it? Like, what was the message, or what was, like, what, you know, what problem did it solve for you that it motivated you to kind of get attached? कैमरे पे बोलने के लिए थोड़ा सा शाई महसूस करे, स्पेशली क्योंकि उनकी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी नहीं है, तो उनको समझाने में दिक्कत आ रही थी. तो उन्होंने कहा कि आप अपने शब्दों में बता देना. तो ही टोल्ड मी कि जब उन्होंने यू नो जो गुरु का नाम बताया रशिया में, यूक्रेन में, उन्होंने उनको सुना, उनकी बातों को सुना, उन्हें एक कनेक्शन सा फील हुआ. उन्हें ऐसा लगा कि डेफिनेटली कृष्णा से जुड़ के प्रोबेबली यू नो ही विल फाइंड मीनिंग टू हिज लाइफ इन द सर्विस ऑफ गॉड. एंड यू नो मुझे लगता है सर्विस एज अ कॉन्सेप्ट वेस्टर्न कल्चर्स में उतना ज़्यादा नहीं है. मतलब हम लोग इंडिया में उसे थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बिकॉज अब वो हमारी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट ऑलरेडी, हम सब किसी तरीके से किसी ना किसी सर्विस में इन्वॉल्व हैं ही. एंड जब भी आप कुछ ही तरह का सर्विस करते हैं, आई थिंक इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ पीस. आप डोनेशन करते हैं, आप अपना टाइम डोनेट करते हैं, नॉट मोर इम्पॉर्टेंटली जस्ट यू नो मनी. तो वो शायद कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर्स में नहीं होता है. इसलिए जब यू नो वो पैसेज जैसे ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने सुना, उन्हें लगा कि भक्ति करनी चाहिए. मतलब देर शुड बी वन गाइडिंग फोर्स इन योर लाइफ एंड लाइफ इज़ अबाउट सर्विस. सो दिस इज़ व्हाट हिज मोटिवेशन वाज, दैट इज़ व्हाट ही टोल्ड मी. बहुत हम्बली उन्होंने मुझे सब कुछ दिखाया, घुमाया मेरी रिक्वेस्ट पे. एंड अब वो थोड़ा सा यू नो ऑल दिस वाइल चैंट तो कर ही रहे थे, अभी थोड़ा सा वो भक्ति करना चाहते हैं आई गेस. तो अब मैं उन्हें एकांत में छोड़ के मंदिर तो मैं देख लिया, मैं वेट करूंगा ताकि आरती जरूर अटेंड कर पाऊं मैं. अच्छा लगा यहाँ पे आके. और ये मेरे पीछे पूरा घर जो है वाइन से, यानी कि बेल से लिपटा हुआ है. बेल अंगूर की, जिसे वाइन बोला जाता है, ये यहाँ पे यूरोप में काफ़ी ज़्यादा होता है और ये इतना ब्यूटीफुल लगता है. बट हाँ, इसकी प्रॉब्लम भी है, ये घर में पेनिट्रेट कर जाती है इसकी रूट्स, और वो दिक्कत भी देती हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पर है भी जैसे ये. तो इसे काटना मैनेज करना भी मुश्किल होता है एंड काफ़ी घरों में होता है. इनफैक्ट जब ऑटम आता है, यानी कि पतझड़, तो ये सूख के रेड हो जाती हैं और इतनी और भी ज़्यादा अलग लेवल का ऑरा लगता है. वाइट, रेड, ग्रीन, इतना मिक्सा एम्बियंस, कलरफुल एम्बियंस देता है ये बिल्डिंग को. तो ये था छोटा सा हिंदुस्तान जॉर्जिया में. और यहाँ पर बता रहे थे कि संडे को बहुत बड़ा कॉन्ग्रीगेशन होता है, पूरा डे लॉन्ग प्रोग्राम होता है. 10-11 बजे से तैयारी शुरू होती है खाने की एंड एवरीथिंग. फिर 2 बजे से गीता के लेसन्स होते हैं. फिर 4 बजे प्रसाद होता है. फिर 2 घंटे आरती होती है. एंड करीब 70-80 लोग जमा होते हैं, जिसमें बहुत सारे इंडियन यू नो इंडियन भी होते हैं, मोस्टली इंडियन स्टूडेंट्स जो यहाँ पे पढ़ते हैं, रहते हैं. और उसके अलावा बहुत सारे लोकल डिवोटीज. इनफैक्ट वो जो लड़का टी शर्ट और शॉर्ट्स में था जो करताली बजा रहा था, वो यहीं पास में रहता है. ये लोग सब जानते हैं आसपास में जो लोग हैं वो टेंपल के बारे में. एंड इनफैक्ट उन्होंने मुझे गाइड किया जब मैं आ रहा था. तो उसकी मदर भी
डिवोटी हैं वो पिछले 20 साल से मंदिर से जुड़ी हुई हैं। इनफैक्ट जो माता जी आरती कर रही थी वो यहाँ पे मतलब मेन कर्ता अर्थर्ता जो है मेन प्रीस्ट आप बोल लीजिए वो वही हैं। तो यहाँ पे लोकल लोग रिगार्ड करते हैं उसको एंड बेसिकली यहाँ पर काफ़ी अच्छे नंबर्स में जॉर्जियंस एज वेल एज इंडियंस इकट्ठे होते हैं वीकेंड्स पे संडे को स्पेशली। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि अगर आप दोबारा आ सकें संडे को तो यू एब्सोल्युटली वेलकम। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आ पाऊँ अगर तो, कल ही है संडे एक्चुअली, बट देखता हूँ मेरे पॉसिबल हो पाता है या नहीं हो पाता है। कभी समझ में नहीं आई कि यू नो सोवियत यूनियन वाले देशों में कृष्णा मूवमेंट इतना पॉपुलर कैसे हुआ, स्पेशली जो लोग वहाँ रह रहे हैं इंडियंस, अगर उनको पता है कोई देख रहा है जानता है तो प्लीज़ मुझे बताओ। क्योंकि सोवियत के टाइम में तो रिलीजन पे पूरी तरीके से पाबंदी थी, मतलब उनके जो चर्चेज अपने खुद के रिलीजियस यू नो वो थे मंदिर यानी कि चर्चेस, वो तो उन्होंने गोडाउन और उस सब में कन्वर्ट कर दिए थे। प्रैक्टिस ओपनली आप कर ही नहीं सकते थे रिलीजन का, तो फिर वहाँ पे ये कैसे ग्रो किया, या ये 90s जब सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया उसके बाद ही ग्रो किया है कृष्णा मूवमेंट इन देशों में, ये मुझे पता नहीं है। तो अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वो आपको पसंद आया हो तो डेफिनेटली लाइक बटन दबा देना, बट मोर इम्पॉर्टेंटली अगर आप यहाँ पे आओ जॉर्जिया तो कोशिश करना ज़रूर आओ, आपको अच्छा लगेगा। मोर इम्पॉर्टेंटली आपको ज़रूर डोनेट कीजिएगा ताकि यू नो जो भी वो एफर्ट कर रहे हैं बनाने के लिए वो बन पाए। तो हमारे कल्चर के लिए डेफिनेटली इट्स एम्बेसडर काइंड ऑफ अ थिंग, राइट? लोग जॉर्जियन लोगों को भी हमारे रिलीजन के बारे में हमारे कल्चर के बारे में जानने को मिलता है। मैं बिल्कुल भी एडवोकेट नहीं कर रहा कि एक रिलीजन दूसरे से बेटर है या यू नो उसे एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रोपेगेट करना चाहिए, बट एटलीस्ट जानकारी उसके बारे में लोगों को अगर मिल रही है या लोगों को यू नो प्रसाद मिल पा रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपको लगे तो लाइक तो बहुत छोटी सी चीज़ है, आप आएँ तो एक बार विज़िट ज़रूर कीजिएगा, आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा शायद।